मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म. यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म. होता क्या है पॉलीमॉर्फिज्म बच्चे? पॉलीमॉर्फिज्म इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म. इस प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कह देते हैं, और जो सब्सटेंस अपने डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फ्स. ठीक है, अगर लेमेन को समझाना हो तो क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? एक ही सब्सटेंस होगा, बिकॉज उनके क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट होगा, और वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो समवट डिफरेंट होंगी. तो सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, एंड द सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड योर पॉलीमॉर्फ. अब बच्चे, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, आउट ऑफ ऑल दोज फॉर्म्स, वो सारी फॉर्म्स में से एक फॉर्म होगी आपकी, दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, जिसको आप स्टेबल फॉर्म बोलोगे. कोई भी चीज़ स्टेबल होती है बच्चे, इट विल ऑलवेज हैव लो एनर्जी, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी. ठीक है, फर्दर इट विल हैव द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना वो स्टेबल होगा उतने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें स्ट्रांग होंगे. ठीक है, इट विल रिजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर. ठीक है बच्चे, उतना उसका मोलिकुलर पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा. ऑल अदर पॉलीमॉर्फ्स, ऑल अदर क्रिस्टलाइन फॉर्म जिसमें वो सॉलिड एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो स्टेबल हो गई, बाकी सारी फॉर्म्स को हम मेटास्टेबल फॉर्म्स कह देते हैं. ठीक है, वो मेटास्टेबल इसीलिए होती हैं बिकॉज दे हैव समवट हायर एनर्जी, उनकी हायर एनर्जी होती है. कोई भी चीज़ हायर एनर्जी पे एग्जिस्ट करती होगी, इट विल, और उसको आप ऑप्शन दे रहे हो कि वो लोअर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, वो हमेशा चाहेगी कि वो अपनी एक्सेस एनर्जी को लूज कर ले और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. सो माई मेटास्टेबल क्रिस्टल्स विल ऑलवेज प्रेफर कि वो जो एक्सेस एनर्जी उनके पास है वो उसको रिलीज आउट कर ले, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू माय स्टेबल क्रिस्टल. सो मेटास्टेबल क्रिस्टल्स और मेटास्टेबल पॉलीमॉर्फ्स विल ऑलवेज ट्राई टू गेट कन्वर्ट टू योर स्टेबल पॉलीमॉर्फ्स. दिस कन्वर्शन ऑफ अ मेटास्टेबल टू स्टेबल पॉलीमॉर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड योर ट्रांजिशन टेम्परेचर. सो टेम्परेचर एट विच अ पॉलीमॉर्फ कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर, इट इज कॉल्ड योर ट्रांजिशन टेम्परेचर. ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट आ जाती हैं बच्चे, इसमें आपके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, क्या क्या रीजन्स आप चार्ट आउट कर सकते हैं कि इस रीजन से मेरा सब्सटेंस डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. रीजन नंबर टू, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरिएशन इन द इंटरमोलिकुलर वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन लीड टू पॉलीमॉर्फिज्म. हमने बात की कि डिफरेंट डिफरेंट इंटरमोलिकुलर, आपकी अगर इंटरमोलिकुलर वेंडरवॉल फोर्सेस में कोई वेरिएशन आ रही है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और योर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर वन, और उनका नंबर उससे ज़्यादा है देन द अदर वन, देन द सेम सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म. इसमें एग्जाम्पल है बच्चे आपकी टेमोक्सिफिन सिट्रेट की, टेमोक्सिफिन सिट्रेट. This tamoxifen citrate, it can exist in two different polymorphic form. इसकी दो polymorphic form हो सकती हैं, polymorphic form A and B. इन दोनों में से B is your stable form, जो हमने बात की lower energy, high melting point वाली. Stable form है आपकी B and A is called your metastable form. ठीक है बच्चे, ये डिफरेंस जो इन दोनों फॉर्म्स में है, और द एग्जिस्टेंस ऑफ टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ योर टेमोक्सिफेन सिट्रेट इज बिकॉज देयर इज वेरिएशन इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वेरिएशन है इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ योर मॉलिक्यूल. मतलब आपके टेमोक्सिफेन सिट्रेट ए पॉलीमॉर्फ एंड बी पॉलीमॉर्फ में डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्टेटस होगा, उससे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगी आपके क्रिस्टल्स की.
उस वजह से यू आर हैविंग टू डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स ऑफ टमोक्सिफेन सिट्रेट. सेकेंड रीजन, कुछ मॉलिक्यूल्स में होता है डाइमराइजेशन. डाइमराइजेशन बेसिकली कैन लीड टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन अ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म. अगर मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको आपको बताऊं, एन एग्जाम्पल हियर इज स्पाइपरॉन कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट पॉलीमॉर्फ्स. इसके दो पॉलीमॉर्फ्स हो सकते हैं, पॉलीमॉर्फ वन एंड पॉलीमॉर्फ टू. ठीक है बच्चे, पॉलीमॉर्फ वन इज द नॉन डाइमराइज्ड फॉर्म. वन जो है वो उसकी नॉन डाइमराइज्ड फॉर्म है. डाइमराइज्ड मतलब दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे जुड़ जाते हैं, है ना, इकट्ठे किसी ना किसी बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. पॉलीमॉर्फ वन इज योर यू नो नॉन डाइमराइज्ड मॉलिक्यूल, वाइल द पॉलीमॉर्फ टू इज योर डाइमराइज्ड मॉलिक्यूल. सो नेक्स्ट आ जाती है इन दो एग्जाम्पल्स जो हमने रीजन्स में की, उससे उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स इन पॉलीमॉर्फिज्म. फर्स्ट कॉमन एग्जाम्पल आ जाती है बच्चे इसमें ट्राइस्टायरिन की. ट्राइस्टायरिन इज अ ट्राइग्लिसराइड एंड दिस ट्राइस्टायरिन कैन एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, अल्फा, बीटा एंड बीटा डैश. इस ट्राइस्टायरिन की तीन डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हो सकती हैं, अल्फा, बीटा एंड बीटा डैश. The most stable polymorph is the one that possesses low energy and high melting point. सबसे stable कौन सा होगा, हमने पहले भी बात की, जिसकी सबसे कम energy है and सबसे ज़्यादा melting point होता है. ठीक है, इसमें से your beta form is the most stable one. ये जो आपकी beta form है, this is your stable polymorph out of these two. ठीक है बच्चे, now your alpha and beta dash will always try to get convert to your beta form, hai na, wo apni excess energy ko hamesha lose karne ki koshish karenge and they will get always try to get converted into the stable beta form. So this is your first example. Second example is your theobroma oil or cocoa butter. You might have studied this particular ingredient when you have studied about suppositories. It can exist in different polymorphic form. It has more than three polymorphic form. The main polymorphic forms of suppository, theobroma oil, which generally we study are your alpha, beta and gamma. Out of these three, alpha has melting point of 22 degree da hai. Sorry, alpha has a melting point of 22 degree. Beta has the melting point of 34.5 and your gamma has the melting point of 18. You can see same molecular structure hai, chemically they are same, but see the difference in melting point of the three different polymorphic forms of theobroma oil. Now you know ke your theobroma oil is the main component of your suppository and you have to administer that suppository through the anal route. Okay, the drug get released from your suppository once your suppository melts in your anus. Suppository via anus आप insert कर देते हो patient में, patient का body temperature आपकी suppository के components को melt करता है. सपोजिटरी मेल्ट होती है एंड द कंपोनेंट गेट रिलीज्ड इन योर एनस ल्यूमेन. ठीक है, वहां पे रिलीज होते हैं और उसकी वॉल से ड्रग को अब्सॉर्ब करते हुए यू कैन इजिली सी दैट योर थियोब्रोमा ऑयल एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस फ्रॉम 18 to 34.5. So if you have not judiciously or you have not taken precautions while preparing your suppository and there is some conversion of one polymorphic form to other, तो क्या होगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर ने उस सपोजिट्री को मेल्ट करना था. अगर आपकी सपोजिट्री में पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ज़्यादा गामा प्रेजेंट होगी विच हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 18, सो योर सपोजिट्री विल नेवर गेट मेल्टेड इन योर बॉडी. एनएच में वो कभी मेल्ट ही नहीं होगी. अगर मेल्ट नहीं होगी तो उसमें से ड्रग रिलीज नहीं होगी. सो व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ योर सपोजिटरी यू हैव टू कीप इन माइंड
यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कि आपका पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जो आपको चाहिए वो थ्रू आउट योर प्रोसेसिंग आपका उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो. आउट ऑफ दीज थ्री द मोस्ट डिजायरेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म फॉर यू इज योर बीटा फॉर्म, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट इज समवट क्लोज टू योर बॉडी टेम्परेचर, ताकि बॉडी आपको उस कंपोनेंट को हीट करके यू नो मेल्ट कर सके. ठीक है बच्चे. सो व्हाइल प्रोसेसिंग ऑफ अ सपोजिटरी क्या होता है, हम मेल्ट करते हैं अपने सारे कंपोनेंट्स को, मेल्ट करके उसको मोल्ड में डालते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया. सो इफ अ सपोजिटरी इज हीटेड एट अ टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वन ऑफ द पॉलीमर, फॉर एग्जाम्पल बीटा, बीटा की जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज 34.5, उससे ज़्यादा आप हीट कर दोगे तो क्या होगा, स्टेबल बीटा पॉलीमर मे गेट डिस्ट्रॉयड, आपका जो बीटा स्टेबल फॉर्म है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है. सो आप क्या प्रिकॉशन रखोगे, जब भी आपने सपोजिटरी बनानी है आप सारे कंपोनेंट्स को मिक्स करके यू विल हीट टू 33 डिग्री सेल्सियस विच इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ योर बीटा. सारे कंपोनेंट्स को आप 33 डिग्री सेल्सियस तक इनिशियली मेल्ट करने की कोशिश करोगे. वंस यू गेट अ विस्कस मिक्सचर यू विल प्रॉपरली चिल दोज कंपोनेंट्स, सबसे पहले उसको चिल करोगे. चिल करने से यू बेसिकली प्रिजर्व योर बीटा फॉर्म, आप बीटा फॉर्म को प्रिजर्व कर लेते हो. आफ्टर चिलिंग यू कैन प्रोसीड विद योर फॉर्मुलेशन, उससे एटलीस्ट आपकी जो अनवांटेड इफेक्ट्स आपकी स्टेबल फॉर्म पे होने थे बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा हीट इफ यू हैव अर्लियर प्रोवाइडेड, तो आप उससे उसको प्रोटेक्ट कर सकती हो. सो फ्रॉम दिस यू कैन हैव स्लाइट आइडिया व्हाई पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट in conditions or in substances where their properties are markedly different. Properties कौन सी differ करती हैं, basically आपकी physical properties differ करती हैं. Chemically they are same, alpha भी same होगा, beta भी और gamma भी, but see the difference in the physical property, for example your melting point, कितना difference है उन three polymorphic forms का. So this is your second example. Third इसमें आपकी example आ जाती है cortisone acetate. कॉर्टिसोन एसीटेट का जब आप सस्पेंशन बनाते हो देन दिस पॉलीमॉर्फिज्म हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कन्वर्जन ऑफ अनस्टेबल पॉलीमॉर्फ्स ऑफ कॉर्टिसोन एसीटेट टू स्टेबल यू नो पॉलीमॉर्फ ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन बनते वक्त अगर अनस्टेबल से स्टेबल पॉलीमॉर्फ की कन्वर्जन होती है कॉर्टिसोन एसीटेट की, तो आपकी जो सस्पेंशन है उसमें क्रैकिंग हो सकती है. ठीक है. सो वेन एवर यू आर हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस, आपको पता है ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यू हैव टू इंश्योर दैट ऑल द अनस्टेबल पॉलीमॉर्फ्स हैव कन्वर्टेड टू द स्टेबल पॉलीमॉर्फ बिफोर यू नो स्टार्टिंग विद द फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट. आपने रॉ मटेरियल में ही चेक कर लेना है कि आपके सारे अनस्टेबल पॉलीमॉर्फ स्टेबल में कन्वर्ट हो गए हैं कि नहीं. ठीक है. इफ सम अनस्टेबल फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन योर रॉ मटेरियल यू हैव टू यू नो टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन एंड यू हैव टू इंश्योर दैट ऑल दोज अनस्टेबल पॉलीमॉर्फ्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द स्टेबल पॉलीमॉर्फ, क्योंकि अगर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो कन्वर्जन होगी तो आपकी फॉर्मुलेशन जो है वो स्टेबल नहीं बनेगी. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ योर पॉलीमॉर्फ्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर पॉलीमॉर्फिज्म इज that your polymorphs they have similar you know molecular structure, unki chemical property same hoti hai, but they mainly differ in your physical properties. वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं. इफ़ आई डिस्टिंग्विश यू नो मेक टू ग्रुप्स, कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, द फर्स्ट मेजर ग्रुप इज आपकी सॉल्युबिलिटी पे, डिसोल्यूशन रेट पे, बायोअवेलेबिलिटी पे और थेरापेटिक एक्टिविटी. व्हाई आई हैव क्लब्ड ऑल दीज थिंग्स इन वन, बिकॉज अगर सॉल्युबिलिटी वेरी करेगी दो पॉलीमॉर्फ्स की इट विल डायरेक्टली हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द डिसोल्यूशन रेट. वो किस रेट से डिजोल्व करता है वो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंडेंट है. किस रेट से वो डिजॉल्व करेगा दैट विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इट्स बायोअवेलेबिलिटी, वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर इन्फ्लुएंस करेगी. बायोअवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस होगी इट विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी. सो इसमें बहुत कॉमनली एक एग्जाम्पल बता देते हैं, कोट भी कर देते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज
क्लोरेम्फेनिकोल, पाल्मिटेट. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लोरेम्फेनिकोल पाल्मिटेट. पॉलीमॉर्फ ए ऑफ क्लोरेम्फेनिकोल पाल्मिटेट शोज डिक्रीज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देन पॉलीमॉर्फ बी. इसकी जो ए फॉर्म है उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लोअर है देन योर पी. वाई रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर? बिकॉज बी इज फास्ट, बी की सॉल्युबिलिटी फास्टर है देन ए. सॉल्युबिलिटी फास्टर होगी उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्टर होगी बिकॉज इट्स रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज फास्टर एंड इट विल हैज मोर यू नो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी. सो वाई फॉर्मुलेटिंग सम फॉर्मुलेशन यूजिंग क्लोरामफेनिकोल पर्मिटेट इफ यू हैव मोर ऑफ बी देन ए योर एफिकेसी विल बी मोर, अदरवाइज यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग द एफिकेसी ऑफ योर फॉर्मुलेशन. सेकेंड इसमें एग्जाम्पल आ जाती है बच्चे सल्फा मीटर की. सल्फा मीटर, हेयर सल्फा मीटर एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म टू एंड थ्री. इसकी दो थेरेप्यूटिकली एक्टिव पॉलीमॉर्फिक फॉर्म दो हैं, टू एंड थ्री. फॉर्म थ्री इज फाउंड टू बी लेस इफेक्टिव देन द फॉर्म टू. थ्री इज लेस इफेक्टिव देन टू. ठीक है, अब अगर आपको पता है कि एक की एफिकेसी दूसरे से कम है, यू विल टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वाइल सेलेक्टिंग योर रॉ मटेरियल. दैट हम रॉ मटेरियल जब सेलेक्ट करते हैं ना, हम देखते हैं कि उसकी प्योरिटी क्या है, उसकी एफिकेसी क्या है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. तो उसमें इफ यू नो दैट दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस अबाउट कि हमें वो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म भी चेक करनी है उस रॉ मटीरियल की. सो द फर्स्ट मेन डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइज इन योर सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट, बायोअवेलेबिलिटी एंड थेरेप्यूटिक एक्टिविटी. सेकेंड जो मैंने क्लब की है वो प्रॉपर्टीज है लाइक योर कंप्रेसिबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टी एंड योर हार्डनेस. इसमें एग्जाम्पल आ जाती है बच्चे आपके कंपोनेंट्स लाइक पैरासिटामोल. पैरासिटामोल हो गया या आपका फिनोबाबिटोन हो गया, सल्फामेराजीन हो गया. दीज ऑल कंपोनेंट्स एग्जिबिट डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म. दे डोंट हैव मच डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट, बट दे शो वेरी हाई डिफरेंस इन देयर कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टी. सो वाइल फॉर्मुलेटिंग आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप उस अकॉर्डिंगली उसकी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म आ जाती है, स्मॉल यू कैन से डेविएशन फ्रॉम व्हाट पॉलीमॉर्फ्स आर. वी हैव स्टडीड अ फ्यू, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेंट, जो सॉल्वेट्स जो हम सॉल्युबिलिटी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बट हियर वी नीड टू रीविजिट दोज यू नो कंसेप्ट सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि हाउ दीज हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स आर लिंक्ड विद पॉलीमॉर्फ्स और हाउ दे आर यू नो डिफरेंट फ्रॉम देम. सो जो हमने हाइड्रेट्स और सॉल्वेट्स पढ़े थे, हमने क्या बात की थी कि लैटिस स्ट्रक्चर में ही आपके सॉल्वेंट की प्रेजेंस है ना, लैटिस स्ट्रक्चर में ही आपके सॉल्वेंट की प्रेजेंस उसको सॉल्वेट्स बना देती है. एंड इफ दैट सॉल्वेंट इज योर वाटर देन दे आर कॉल्ड हाइड्रेट्स. ये हमें पता है, वी आर ऑल अवेयर अबाउट वाटर, हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स. क्या होता है बच्चे, वेन वी क्रिस्टलाइज सम सब्सटांस, जब हम किसी सब्सटांस की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी सॉल्वेंट, हमने किसी सॉल्वेंट में उसको डिजोल्व किया होता है ना. वी हीट दोज कंपोनेंट्स इन दैट सॉल्वेंट, उसका एक्सेस सॉल्वेंट हम रिमूव करते हैं, देन वी अलाउ इट टू कूल डाउन. ठीक है, जब क्रिस्टल सेपरेट होते हैं दोज क्रिस्टल्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन दैट सॉल्वेंट. सो वाइल क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टल मेरे बन रहे थे, देयर आर चांसेस कि फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट विच इज यूज बेसिकली टू क्रिस्टलाइज दोस मटीरियल, वो उसकी लेटेस में इंट्रैप हो सकता है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म. आपकी क्रिस्टल्स डिफरेंट, एवरी टाइम यू क्रिस्टलाइज योर सब्सटेंस
पहली बार हो सकते हैं आपके दो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के एक पर्टिकुलर लेटेस में चले गए हो, सेकेंड टाइम इट कैन बी पॉसिबल दैट ओनली वन मॉलिक्यूल इज गोइंग इनटू योर लेटेस स्ट्रक्चर, नेक्स्ट टाइम मोर देन टू मॉलिक्यूल्स कैन गो इनटू योर लेटेस स्ट्रक्चर. सो एवरी टाइम यू क्रिस्टलाइज योर यू नो ड्रग और अ सब्सटेंस, हर बार आपकी लेटेस में डिफरेंट नंबर ऑफ योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज गोइंग. यू कैन से मेरा फर्स्ट क्रिस्टल इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड क्रिस्टल एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड क्रिस्टल. यू कैन कोई भी कह सकता है कि इस तरह से भी तो मेरे पॉलीमॉर्फ्स बन रहे हैं, बट दीज टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फ्स आर नॉट कॉल्ड बेसिकली पॉलीमॉर्फ्स, दे आर कॉल्ड स्यूडो पॉलीमॉर्फ्स. वो झूठे पॉलीमॉर्फ्स होते हैं बिकॉज उनकी स्ट्रक्चर में एक थर्ड कंपोनेंट आ जाता है, दैट इज योर सॉल्वेंट विच हैज बीन यूज ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कोई भी सॉल्वेंट होगा वी कैन से द सॉल्वेट्स, अगर स्पेसिफिकली वाटर होगा वी कैन से इट अ हाइड्रेट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स हैव डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंस ऑन योर फिजिकल प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड द इफेक्ट ऑफ दीज ऑन योर सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में हमने स्टडी किया था हाइड्रेट्स will always have lower solubility than your anhydrous form. Anhydrous form से आपके hydrates, if a water is present in your crystal lattice, एक तरफ एक substance है जिसके crystal lattice में water present है, उसकी solubility हमेशा कम होगी than the same substance which is not having water in its lattice. ठीक है. On the other hand, we have discussed that your solvates are always more soluble, especially your organic solvates. हमने organic solvates की बात की थी. They are more soluble than your, you know, anhydrous forms. अपनी anhydrous form से आपके organic solvates जो है वो ज़्यादा soluble होंगे. ये हम already in solubility discuss कर चुके. Here I just want you to understand that these formation of hydrates and solvates, they are also called pseudo polymorphs because they are responsible for generation of different types of crystal. Different types of crystals ban jate hain. They have influence on few physical properties like humne solubility ki baat ki thi. Solubility pe directly influence kar sakti. Theek hai bache? Next, if I again summarize what are the applications of your polymorphism. फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ डोजेज फॉर्म. हमने बात की सपोजिटरीज की, कोको बटर की. यू कैन इजीली गिव अंडर दिस फर्स्ट हेडिंग दैट एग्जांपल ऑफ कोको बटर, कि कोको बटर और थियोब्रोमा ऑयल की अगर एग्जैक्ट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आपने नहीं सेलेक्ट की. सेकेंड, इफ प्रिकॉशंस वर नॉट टेकन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ योर सपोजिटरी, तो आपकी जो स्टेबल फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द अनस्टेबल फॉर्म और यू विल डिस्ट्रॉय योर स्टेबल फॉर्म. और स्टेबल फॉर्म डिस्ट्रॉय कर लोगे तो जो बेसिक कंसेप्ट है आपका सपोजिटरी का, हाउ इट इज शोइंग इट्स इफेक्ट बाय गेटिंग मेल्टेड इन योर बॉडी कैविटी, तो वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड दैट सपोजिटरी विल लूज इट्स एफिकेसी. ठीक है बच्चे. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज योर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ डोजेज फॉर्म. सेकेंड, यू कैन एनहांस द सॉलिबिलिटी. यू कैन गिव एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल इन दैट. ठीक है, आपकी एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म इज मोर सॉल्युबल देन द अदर, सो यू विल ऑलवेज सेलेक्ट कि कौन सी फॉर्म आपकी क्या रिक्वायरमेंट है. इफ योर रिक्वायरमेंट इज मोर टुवर्ड्स हैविंग अ फॉर्म विच हैज अ मोर सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, देन गो फॉर दैट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म. अगर कोई और प्रॉपर्टी दूसरी अनस्टेबल की भी आपको रिक्वायर्ड है, देन डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट योर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म. Solubility direct will directly influence your dissolution, so you can judiciously select a polymorphic form and you can improve the dissolution of your drug substance. Last, dissolution further aapki absorption ko influence karti hai. Selection of a correct polymorphic form will have a direct influence on how your drug is getting absorbed into your body. Ek form hai jiski solubility hi kam hai, it will have low dissolution. उसकी डिसोल्यूशन कम होगी, उसकी अब्सॉर्प्शन कम होगी. जितनी मर्जी उस पॉलीमॉर्फ की डोज आप अपने पेशेंट को दे दो, क्योंकि वो बॉडी में अब्सॉर्ब ही नहीं हो रही बिकॉज उसकी स्टार्टिंग में सॉल्युबिलिटी कम थी, सो दैट ड्रग विल नॉट शो एफिकेसी. ठीक है.
So these are the few applications of a polymorph. So the last property of your solids are eutectic mixture. Eutectic mixture भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा पहले. क्या होता है बच्चे, कई बार क्या होता है, यू मिक्स टू सॉलिड पाउडर्स, आपके पास दो पाउडर्स होते हैं एंड यू मिक्स दोज टू पाउडर्स. वॉट यू विल सी कि जैसे ही आप उन दोनों को मिक्स करते हो, वो मिक्सचर दैट सॉलिड स्टेट गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, वो मिक्सचर लिक्विफाई हो जाता है. अगर टेक्निकल टर्म्स में मैं बताऊं तो दो सॉलिड्स को, दो पाउडर्स को जैसे ही मैंने मिक्स किया, इट्स मेल्टिंग पॉइंट गेट रिड्यूस, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है. मेल्टिंग पॉइंट इतना रिड्यूस हो जाए दैट इट इज लोअर देन योर रूम टेम्परेचर, देन द पाउडर्स विल लूज देयर स्टेट एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड फॉर्म. सो यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, वेन यू मिक्स टू पाउडर्स, यू हैव अ पाउडर ए, यू हैव अ पाउडर बी विच हैज अ मेल्टिंग पॉइंट अबव योर रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स एट रूम टेम्परेचर दे आर so in present in the solid state. You mix these two powders, simple आप physical mixing करते हो, कोई extra component उसमें add नहीं करते, and the mixture AB has a melting point lower than your room temperature. Or you can say the solid powders जो individually solid की form में exist करते थे, उनका physical mixture is existing in a liquid state. ठीक है बच्चे, सो सच पाउडर्स और सच सॉलिड्स दे आर कॉल्ड योर यूटेक्टिक पाउडर्स, और इस मिक्सचर को आप कह देते हो यूटेक्टिक मिक्सचर्स. इसमें एग्जांपल अगर मैं कहूँ, एग्जांपल है बच्चे आपकी जो कंपोनेंट्स नॉर्मली यूटेक्टिक मिक्सचर बना देते हैं, फॉर एग्जांपल कैम्फर, फर्स्ट इज योर कैम्फर, देन मेंथॉल, देन थाइमोल, then your phenol. These are the few examples. तो ये components को अगर आप mix करोगे, they will get liquefied at room temperature. So during dispensing, अब इन powders की problem क्या होगी कि आपने दो powder component थे, आप dispense करना चाहते हो उसको एक particular formulation में, you are going to mix a camphor with methanol. दोनों सॉलिड्स थे, आपने उनको मिक्स किया, दे गेट लिक्विफाइड. लिक्विड्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट टू हैंडल, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उसकी पैकेजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ना. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपकी यूटेक्टिक मिक्सचर बनने की वजह से दे आर एडिंग टू योर फॉर्मुलेशन, वॉट यू कैन डू, आपने अगर किसी फॉर्मुलेशन में कैम्फर और मेंथोल को डिस्पेंस करना है, आप इन दोनों को सेपरेटली डिस्पेंस कर सकते हो. पाउडर को तो सिंपल सैशे में आप डिस्पेंस कर सकते हो, और यू कैन इंस्ट्रक्ट योर पेशेंट कि ऑन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग दैट पर्टिकुलर मेडिकामेंट जस्ट मिक्स दीज टू कंपोनेंट. ठीक है, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट बहुत मार्केटली रिड्यूस हो गई, आपने सिंपल दो सेशे दिए पेशेंट को और उसको कहा इसको मिक्स करके ले लेना. सेकंड, इफ यू फाइंड दैट कि पेशेंट के एंड पे वो मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन मिक्स दीज टू कंपोनेंट्स एंड यू कैन ऐड सम थर्ड कंपोनेंट और अ इनर्ट एजेंट विच बेसिकली यू नो हेल्प्स टू अब्सॉर्ब जो एक्स्ट्रा वाटर और जो एक्स्ट्रा मतलब बेसिकली उसको उसकी स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड टू यू नो सेमी सॉलिड स्टेट में उसको कन्वर्ट कर देता है. सो यू कैन अडॉप्ट टू डिफरेंट मेथड्स. फर्स्ट यू कैन ईदर सेपरेटली डिस्पेंस बोथ द कंपोनेंट्स जिनमें टेंडेंसी है टू फॉर्म यूटेक्टिक मिक्सचर, और सेकेंड वॉट यू कैन डू, यू कैन बिफोर डिस्पेंसिंग मिक्स दीज टू कंपोनेंट एंड यू एड सम थर्ड कंपोनेंट विच इज योर इनर्ट एब्जॉर्बेंट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऐड योर मैग्नीशियम ऑक्साइड, लैक्टोज, की अपनी कोई यू नो प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है बॉडी पे, बट वो उस लिक्विड स्टेट को सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, बिकॉज इट इज एन एब्जॉर्बेंट. सो जस्ट मिक्स दीज थ्री कंपोनेंट एंड मिक्स द अदर कंपोनेंट जो आपने पेशेंट को देना है, डिस्पेंस दैट सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन टू योर पेशेंट. आप इस तरह से भी अपने पेशेंट को वो डिस्पेंस कर सकते.